जबलपुर से है जहां करवा चौथ वाले ही दिन एक महिला ने मौत को अपने गले लगा लिया। पूरा मामला गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर के पटेल मोहल्ले का है। जानकारी के अनुसार पटेल मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र पटेल की पत्नी अपने घर में बने स्टोर रूम में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका ने कल करवा चौथ की खरीदारी कर करवा चौथ की तैयारियां कर ली थी, लेकिन आज अचानक अपने घर में महिला ने मौत को ही गले लगा लिया। गोरखपुर थाना प्रभारी सारिका पांडे ने बताया कि मृतका की शादी 7 साल पहले रामपुर पटेल मोहल्ला में रहने वाले नरेंद्र पटेल के साथ हुई थी, जहां वो अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहते हैं। वहीं कल शाम को महिला ने पति के साथ करवा चौथ की खरीदारी करने गई थी। आज जब महिला का पति अपने काम पर गया हुआ था, तभी महिला ने अपने घर में बने स्टोर रूम पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतका का पति आए दिन मृतका को प्रताड़ित किया करता था। वहीं परिजनों ने शिकायत पर गोरखपुर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं जांच कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये छोटी वाली साली है, बिंदिया जो है, ये थोड़ा तेज बोले। हाँ, ये बिंदिया जो है, जो कि इनको चाहे जब ये मतलब हमेशा मादरचोद बहनचोद करके गाली देते रहते थे और उसको काफ़ी परेशान कर रहे थे। कहीं पैसा लेके या तू इतना लाख दे दे, कहीं ये करके इतना बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना। उसके बावजूद अपन लोग चाहते कि यार कभी सुधर जाएंगे, ये कभी तो सुधरेंगे, शांत रहे कि भाई सुधर जा। हम लोग भी उसको समझाते थे कि भाई चलो ठीक है, नहीं नहीं हो, आप लोग शांत रहो, बाकी ठीक है, हमको तो निष्पक्ष जांच चाहिए, आप इसमें हम लोग को न्याय चाहिए और कुछ नहीं, हमारा तो धन चला गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दशरथ पटेल है। आप कौन लगते हैं? हम इनकी बड़े वाले जिया जी। किसके? बिंदिया की, जो महिला खत्म हुई है, बड़े वाले जिया जी है, उनके भाई नहीं है, हमने सब बचपन से उनका सब कुछ किया। तो ये कहाँ, इनका मतलब इनके मम्मी पापा वगैरह कहाँ रहते थे? मतलब आपकी मम्मी पापा नटवारा में रहते हैं। अच्छा, है ना। और शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी के करीब 6.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो इनके बच्चे वगैरह? एक बच्ची है, आरजी नाम है उसका। इनके पति का नाम क्या है? नरेंद्र पटेल। नरेंद्र पटेल। कारण क्या था जो इन्हें अचानक? कारण कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं बताया गया कारण। 3 दिन से हम लोग भी फोन लगा रहे, कभी छोटी सी बच्ची से बात होती थी, आज भी छोटी सी बच्ची के माध्यम से हम लोग को पता चला कि दरवाजा मम्मी अंदर से बंद किए हुए हैं ना। कारण हम लोग को भी नहीं मालूम है, बाकी जाँच चाहते निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष तरीके से हो, हमको न्याय। बिंदिया पटेल, वाइफ ऑफ नरेंद्र पटेल, जो पटेल मोहल्ला में रहती है, 30 साल की है, उसकी एक बेटी है 6 साल की। करीब 7 साल पहले इसकी शादी हुई थी और कल ये शाम को करवा चौथ की खरीदारी करने गई थी। उसके बाद में रात में अपने घर में थी। आज 10 बजे जब इसका पति काम पे चला गया, तब इसने घर के स्टोर रूम में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजन जो नटवारा के रहने वाले हैं, वो लोग मौके पर पहुंच गए थे और उनका कहना है कि इनका पति परेशान करता था, गाली गलौज करता था, इस वजह से उसने फांसी लगा ली है। जिनसे पृथक से पूछताछ की जाती है और बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खरीदारी करने गई थी उसके बाद जो करवा चौथ की कल उसने खरीदारी कर ली थी, आज चूँकि त्यौहार था इसलिए उसने कल खरीदारी करी थी और आज इसने सुबह फांसी लगाई। मतलब पता चला कुछ ज़्यादा कोई बात हो गया नहीं, हो सकता इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि ये दोनों अकेले ही रहते थे और अकेले ही इनका खाना बनता था, बच्ची छोटी है, उसे पूछताछ करते हैं। कितने बजे की घटना है ये? 10 से 12 बजे के बीच। हाँ बताइए। ये पटेल मोहल्ला में बिंदिया पटेल रहती है। उसका पति क्रेन चलाने का काम करता है। कल शाम को ये बाजार गए थे और करवा चौथ की शॉपिंग किए थे। आज सुबह इसका पति, बिंदिया का पति, 10 बजे काम पे चला गया था और उसको फिर वहाँ पे खबर मिली कि इसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे और इसमें मर्ग जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।